तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। तफसीली फैसला कब जारी किया जाएगा, बात करते हैं नुमाइंदा जीएनएन आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट बताइएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है इस पर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का जो ट्रायल है वो अडयाला जेल में होगा। चार रुकनी कमीशन की जानब से ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। वजारत दाखिला की जानब से ये इस्तदा की गई थी कि बानी चेयरमैन को यहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए कमीशन चाहे तो उसको वहाँ पर जाकर ये केस की समाप्त कर सकता है और वहीं पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जा सकती है बानी चेयरमैन पर और फवाद चौधरी पर, जिस पर वजारत कानून से राय मांगी गई। वजारत कानून ने भी राय दी कि कमीशन जो है वो अडयाला जेल में जाकर समाप्त कर सकता है और इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन की जानब से वजारत दाखिला की इस्तदा मंजूर की गई है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का अडयाला जेल में ट्रायल करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से आइंदा जो केस की समाप्त है वो 13 दिसंबर को जो है वो फिक्स की गई है और वजारत दाखिला को ये हुक्म दिया गया है कि 2 रोज में जो इंतजाम हैं वो करके इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट पेश करे। जी आते वक्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।